ओके, तो मैंने आज जिस पेपर पे हम पेंट करते हैं उसकी एक स्ट्रिप काट ली है और उसको हॉरिजॉन्टल आज हम पेंट करेंगे। और मैं बना रही हूँ एक बुक मार्क। बुक मार्क बनाने के लिए मैं स्टार्टिंग में पेंट करूँगी, जिसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू ब्लेंड, ब्लेंड कैसे करते हैं कलर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं सबसे पहले ब्रश को हल्का सा गीला करके सबसे पहले स्टार्ट करने लगी हूँ ब्लू कलर से। तो यहाँ मैंने ब्लू कलर डाल लिया है। ब्लू कलर से स्टार्ट करते हैं। ब्रश मेरा थोड़ा सा गीला है। तो ये मैंने हल्के हाथों से थोड़ा डायगनल डायगनल कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये ब्लू कलर कर दिया। यहाँ से ब्लू कलर पेंट कर दिया। अभी आई एम गोइंग टू क्लीन माई ब्रश और मैं ग्रीन कलर लूँगी। मैंने ब्रश क्लीन कर लिया है, हल्का सा ब्लू है उसमें, पूरी तरह से गायब नहीं है पर काफ़ी हद तक क्लीन है। अब मैं यहाँ ग्रीन कलर लूँगी और ये ब्रश मेरा क्लीन है लेकिन इसमें हल्का सा ब्लू है। तो नाउ स्टार्ट, ब्लू में थोड़ा सा ग्रीन जाएगा और यहाँ से स्टार्ट डायगनल ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर भी ऑलमोस्ट हो गया। ये कर लिया। अभी द ट्रिक इज, जब हमें दो कलर्स को ब्लेंड करना है आपस में, तो अब मेरा ये ग्रीन कलर है तो अब इसमें मैं धीरे धीरे से ब्लू की तरफ जाऊंगी, हल्के हाथों से, जोर नहीं लगाना ज़्यादा, और आप देखेंगे कि वो ब्लू में मर्ज होता जा रहा है। ओके, ग्रीन और ब्लू एक जैसे होते जा रहे हैं। यहाँ मैंने स्टॉप करना है। ये देखिए ग्रीन और ब्लू, ब्लू में थोड़ा सा ग्रीन आ रहा है और ग्रीन में थोड़ा सा ब्लू जा रहा है। ब्रश गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए ब्लेंडिंग के लिए। अब मेरा ब्रश बिल्कुल सूखा है और मैंने हल्का सा यहाँ पे ब्लू पेंट लगा लिया है। तो मैं ब्लू पेंट को फिर से करूँगी यहाँ से स्टार्ट, जस्ट टू शो यू कि ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। ब्लू करते करते हल्के हाथों से ग्रीन की तरफ आ जाना है, हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना। तो अभी ये जो साइड है ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन साइड थोड़ी थोड़ी ब्लू लग रही है और ब्लू साइड में हल्का हल्का ग्रीन कलर है। पानी ब्रश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके ब्रश में पानी है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ब्रश सूखा होना चाहिए। ये देखिए, तो ऐसे लग रहा है कि हमने कभी दो कलर्स अलग अलग किए ही नहीं, दोनों कलर्स एक ही हैं। अभी नेक्स्ट मेरा कलर है ऑरेंज। अब मैंने फिर से ब्रश को हल्का सा गीला करके जस्ट क्लीन किया मतलब, और अब मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। पहले यहाँ कर लेते हैं फिर ब्लेंड करेंगे। तो अब मैंने ब्रश एकदम क्लीन कर लिया। आई जस्ट मैंने इसको कपड़े से साफ कर लिया। अब मेरा ब्रश एकदम सूखा है तो नाउ लेट्स ट्राई टू ब्लेंड। हल्के हाथों से ऑरेंज कलर को ग्रीन की तरफ मिक्स करने की कोशिश करनी है, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। तो थोड़े देर बाद यू कैन फील कि जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन कलर में मिक्स होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम ब्लेंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट यू कैन फील अभी ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर ऐसे मिक्स हो रहे हैं। अभी ब्रश क्लीन करने के बाद मैं फिर से ग्रीन कलर ले रही हूँ, क्योंकि जो ये साइड है थोड़ी सी ये थोड़ी ब्लैक लग रही है क्योंकि ऑरेंज का शेड आ गया है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू ब्यूटिफाई इट, तो मैं ग्रीन कलर हल्के हाथों से ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ, इवनली ऑरेंज की तरफ जा रही हूँ। और अभी सूखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज एकदम
एक साथ में। ये थोड़ा शायद वीडियो में ब्लैक लग रहा है, पर ब्लैक है नहीं, ऑरेंज कलर है, पर वो गीला होने की वजह से इस तरह से लग रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट कलर है रेड कलर, तो थोड़ा सा ब्रश गीला करके रेड कलर के साथ लेट्स जस्ट पेंट। हल्के हाथों से रेड कलर को भी डायगनल हमने कर देना है और हल्का हल्का सा ऑरेंज की तरफ जाने की कोशिश करनी है। ब्रश बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गीला होगा तो पूरा कीचड़ कीचड़ वाली फील आ जाएगी और एकदम सब चीज़ बर्बाद हो जाएगी। हल्के हाथों से ऑरेंज की तरफ जाना है डायगनली, एकदम हल्का, और ऐसा लगेगा जैसे ऑरेंज और रेड एक ही कलर है। ऑरेंज और रेड एक ही कलर लग रहे हैं, अलग अलग लगे नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ओके नाउ आई हैव स्केच्ड समथिंग वेरी रफली, कोई मैंने इतना स्केल या ये सब मेजरमेंट्स का यूज़ नहीं किया, तो अब मैं इसको सिर्फ आउटलाइन करूँगी। दीज आर सम हार्ट्स, आई एम गोइंग टू आउटलाइन इट विद ब्लैक कलर एंड विद दिस पतला वाला ब्रश। सो लेट्स स्टार्ट विद माय पतला वाला ब्रश। ब्रश पे पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइंस हैं वो एकदम बिखर जाएंगी, बहुत मोटी होंगी, फैल जाएंगी। तो पानी एकदम ना के बराबर, बस जो स्टार्टिंग में हमने ब्रश धोया प्रिपेयर किया उसको बस वही। अब मेरे ब्रश पे सिर्फ पेंट है जो मैंने थोड़े से पानी से डाइल्यूट कर लिया है। सो दिस इज़ माई बुक मार्क, अभी ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, पर मैं यहाँ विंडोज़ में थोड़ा येलो कलर करूँगी ताकि वो थोड़ा सा उभर के आए। बाकी ये सब ऑलमोस्ट डन है। तो इसमें आपकी दो चीज़ें प्रैक्टिस होंगी, एक तो ब्लेंडिंग प्रैक्टिस होगी, दूसरा लाइन्स। लाइन्स काफ़ी सही, अगर आप ऐसे मतलब इस तरह से कर्व भी बना रहे हो तो कर्व भी एकदम क्लीन होनी चाहिए, zigzag या कुछ ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। और लाइन्स अगर ऐसे बना रहे हो तो स्केल का यूज़ करना है ताकि स्ट्रेट लाइन्स हों यहाँ सब जगह। तो इस सब में आपकी लाइन की प्रैक्टिस होगी, लाइंस की, स्केल की, कर्व्स की और ब्लेंडिंग की। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब मैं इसको सुखाने जा रही हूँ, उसके बाद हम विंडोज़ पेंट करेंगे। ओके, तो आई एम गोइंग टू पेंट येलो कलर ऑन माय विंडोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। येलो कलर लिया, प्योर येलो कलर, उसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया। इसको पूरा ही कर देती हूँ मैं, फिर बीच में वो डिवाइड कर देंगे ब्लैक कलर से। तो अभी मैं इसको पूरा ही कर रही हूँ, पूरी खिड़की मैंने येलो से कर दी। अभी मैं पूरी ही कर रही हूँ क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो बहुत छोटे ब्रश से होगा। तो एक और तरीका है कि इस तरह से पूरी खिड़की कर दी जाए और फिर जब ये सूख जाएगा तो इसको ब्लैक कलर से डिवाइड करके खिड़की का पूरा हम वो डिज़ाइन बना देंगे। नेक्स्ट राइट आती है इनसे। अच्छा, तो पहले ब्रश पे हमने लेना है येलो कलर। येलो कलर लिया, इस तरह से येलो कलर ले लिया। अब इसी के ऊपर हल्का सा वाइट ले लेना, इस तरह से। ओके, नाउ लेट्स पेंट विंडो एकदम प्लेन। पहले येलो फिर व्हाइट।